राम राम जी आप सबको, कैसे हो आप सब। एससी कंस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बाथरूम के ऊपर कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको आगे जाके बहुत काम में आएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब हम दीवार पर टाइल लगाते हैं तो हमें उसे कौन से हिसाब से लगाना चाहिए, हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आपको मैं अभी बताता हूँ कि जब हम टाइल लगाते हैं दीवार पर बाथरूम में, तो उसको हम ऊपर से अक्खी लेके और नीचे जो टुकड़ा आता है स्कर्टिंग, जो हम उसको स्कर्टिंग बोलते हैं, हम वैसे लगाते हैं। जैसे हम हमारी जो दीवार है समझ लो 7.5 फुट की है, तो हमने ऊपर से लेवल निकाला है और हमारी जो टाइल जो है, ये जो लेवल हमने निकाला है, मार्किंग कर लिया है यहाँ पे 2100 mm में हमने मार्किंग कर लिया। हमारी दीवार जो है 7.5 फुट की है, मतलब 2300 mm हो गया। तो हमने जो है 7 फुट पर मार्किंग कर लिया, जो कि हमारा है 2100 mm। तो हमारी टाइल ऊपर से लेके नीचे तक अखी आएगी और जो बचा कुचा टुकड़ा है 200 mm का, वो हमारे नीचे लगेगा। उससे जो हमारा टुकड़ा है वो जल्दी नज़र में नहीं आता है, क्योंकि हमारी नज़र जो है ऊपर ही ऊपर होती है, जल्दी हम नीचे देखते नहीं हैं। और फिर अगर आपकी दीवार लंबी है तो आप ऐसा धड़ा लगा लीजिए रस्सी बांध के। तो जब भी आप टाइल लगाओगे तो उसके आप चेक कर सकते हो कि आपकी टाइल सीधी जा रही है, टेढ़ी जा रही है, ज़्यादा आउट या अंदर तो नहीं है, आपसे आप उसको चेक कर सकते हो। ये आपका बेनिफिट है टाइल लगाते वक्त। अगर आपके पास मतलब बाथरूम में दरवाज़ा है, दरवाजे के लेवल पे भी आप टाइल लगा सकते हो। दरवाजे के लेवल पे लोगे तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि जो सांधा है वो आपको एक ही लेवल में मिलेगा। दरवाजे का जो फ्रेम का ऊपरी धार है वो लेवल से आपको मार्किंग कर लेना है, आपको जो सांधा है वो पूरा मैच हो जाएगा और एक ही लेवल में आपका फिर जो सांधा है वो घूमेगा, तो वो दिखने में बहुत अच्छा लगता है। और लेवल बांधने के लिए हमारा जो पट्टी हमने नीचे बांधे हैं, ये आप देख सकते हो लंबी पट्टी हमने बांधे है, तो नीचे जो आएगा वो टुकड़ा आ जाएगा हमारा बच्चे को, जो 200 mm वो टुकड़ा है वो नीचे आ जाएगा। और पट्टी जो हमने बांधी है उसके ऊपर से हमारा जो टाइल है वो 300 mm पे आना चाहिए, जो हमने मार्किंग किया है, जो मैंने आपको पहले दिखाया था वो मार्किंग किया हुआ है, तो वो मार्किंग पे हमारा टाइल जो है वो आना चाहिए। उसी हिसाब से हमें ये जो है पट्टा बांध लेना है। ये पट्टा बांधने में आपको थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन फिर आपको जो टाइल लगाने में आसानी पड़ जाती है। जैसे अभी हम ये टाइल लगा रहे हैं वर्टिकल में, तो ये जो 600 mm का हो गया और इसके बाजू में हम जो टाइल लगाएंगे वो 300 mm का है, तो हमें एक आइडिया बैठ जाएगा कि हमारा जो सांधा है वो कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। तो इसी हिसाब से आपको एक बार लाइन मिल जाएगी तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। और दूसरी बात, जब आप टाइल लगाते हो तो दीवार पर पानी मान लीजिए, दीवार पर थोड़ा पानी मान लीजिए ताकि दीवार गिल्ली हो जाए। उससे क्या होगा, आपका सीमेंट जो है वो अच्छे से पकड़ेगा, और अगर दीवार सूखी रहेगी तो वो आपका जो सीमेंट है उसको पकड़ नहीं मिलेगी। और अगर आप सीमेंट के अंदर टाइल बाउंडर यूज़ कर रहे हो तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि उसकी पकड़ और मजबूत हो जाती है, लाइफ उसकी जो है अच्छी हो जाती है। टाइल लगा रहे हैं, जैसे हमने 600 mm वाली टाइल हमने लगाई थी वर्टिकल में, अभी हम इसको हॉरिजॉन्टल में लगा रहे हैं। जो हमारे 600 mm की टाइल थी वो थी हाईलाइटर, और ये जो शादी वाली टाइम सिंपल टाइल है हम इसको लगा रहे हैं इसे में, अभी हम इसको हॉरिजॉन्टल में लगा रहे हैं। जो हमारे 600 mm की टाइल थी वो थी हाईलाइटर, और ये जो शादी वाली टाइम सिंपल टाइल है हम इसको लगा रहे हैं इसे। सीमेंट हमें अच्छे से लगाना है, ऐसा नहीं कि कहीं से पोकल छोड़ना है, अच्छे से उसको फैलाना है, अच्छे से फैला के फिर हमको लगाना है। जैसे आप देख सकते हो हमने सीमेंट जो है एकदम अच्छे तरीके से फैलाया है, कहीं भी कंजूसी नहीं करी है। देखो अभी हम लगा रहे हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से। अभी जो हमारा टाइल का जो ऊपरी धार है वो 300 mm पे फिनिश हुआ है फिक्स, जो हमने मार्किंग किए थे फिक्स उसी पे फिनिश हुआ है वो। अब यहाँ से अगर आप ऊपर इसके ऊपर टाइल लगाते जाओगे तो एग्जैक्ट जो आपकी टाइल अक्खी ऊपर लगेगी, आपको ऊपर बिल्कुल भी टुकड़ा नहीं आएगा। अभी हम जो धड़ा मारे थे कि हमारी टाइल टेढ़ी है कि नहीं, देखो वहाँ से हम यहाँ पर टाइल देख रहे हैं रस्सी से, डोरे से, कि हमारी टाइल सीधी है कि नहीं, वो लेवल पर है कि नहीं। ये सब चीज़ आपको बार बार चेक करनी है अगर आप टाइल लगाते जा रहे हो आगे आगे, तो हमें जो है चेक करते रहना है। और टाइल लगाने के बाद जो इसका बचा कुचा कोना है, धार है ऊपर, हमको सीमेंट से अच्छे से पैक कर लेना, ताकि वो कहीं से भी पोकल ना हो। क्या होता है कभी कभी हम जब बाथरूम की फिटिंग्स लगाते हैं, जैसे नल हो गया या फिर कोई भी कारपेंटरी फिटिंग्स हो गया, XYZ कुछ भी हो जाता है, सैनिटरी फिटिंग्स, रुमाल रखने का हो गया, टॉयलेट पेपर हो गया, तो जब हम उसके अंदर ड्रिल करते हैं तो जहाँ पोकल जगह होती है उसको वहाँ पर जो टाइल है वो टूटने का चांस ज़्यादा होता है। तो अच्छे से आप सीमेंट भर के लगाओगे तो आपकी टाइल मजबूत भी रहेगी और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आने वाले 10-15 साल में। उससे ज़्यादा आपको
बता सकता हूँ, लेकिन फिर भी कम से कम आपको 15 से 20 साल कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके टायर्स में। अभी ऐसी वीडियो को देखते रहिए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, आपको लग रहा है कि आपको ये वीडियो से कुछ सीखने मिल रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इस इंपॉर्टेंट चीज़ें पर वीडियो बनाता रहता हूँ। वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आपको और जानने मिलेगा कि हम जब लंबी दीवार पर टाइल लगाते हैं तो हमको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो वो सब चीज़ मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तब तक आप ये वीडियो को पूरा देखिए। जैसे जैसे आपकी टाइल आप ऊपर लगाते जाते हो, उसी साथ साथ आप उसको लंबा भी चेक कर लीजिए, ताकि आपकी टाइल जो ऊपर से भी लेवल में हो, ज़्यादा आउट नहीं होनी चाहिए। ये सब चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और लंबे दीवार में आपको वही डोरा माप के आपको देखना है कि आपकी टाइल ज़्यादा अंदर और बाहर तो नहीं जा रही, वो एक ही लेवल में होनी चाहिए। ये सब चीज़ आपको बार बार हर टाइल जब भी जब आप नया नया टाइल लगाते हो तब तब उसको आपको चेक करते रहना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा टाइल लगा के हो चुका है, जैसे अभी आप देख रहे हो कितना खूबसूरत हमारा बाथरूम दिख रहा है। बाथरूम की पूरी फिनिशिंग, जैसे लाइट हो गया, पेंटिंग हो गया, सब होने के बाद विंडोज़ हो गई हमारी, सब लगाने के बाद हमारा बाथरूम बहुत खूबसूरत दिख रहा है। आप देख सकते हो हमारा जो बेसिन है उसका जो काउंटर हमने बनाया है वो टाइल्स का है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। मिलता हूँ मेरी आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।